नहर में पानी नहीं, किसान परेशान, सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की हो रही है मांग। डीडीसी बोले, होगा बैठक। जिले में बारिश ना होने के बराबर सूखे जैसे हालात हैं, ऐसे में सिंचाई के संसाधन भी दगा दे रहे हैं। नहरों में पानी नहीं है, अंतिम छोर पर बसे किसान तो इतने परेशान है कि उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। अगर धान की रोपनी नहीं हुई तो वे क्या करेंगे। कई जगह स्थिति विकट बनी हुई है। इस संबंध में जब डीडीसी महेंद्र पाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भी जहां जा रहे हैं किसान अपनी समस्या बता रहे हैं। नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे इसके लिए प्रशासनिक प्रयास हो रहे हैं, इसके लिए बैठक होगा। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति भी बाधित है, इसकी तरफ से ध्यान दिलाते हुए जिला पार्षद बंटी शाही ने कहा कि हमने तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार बक्सर सहित आसपास के जिलों में ही सूखा की स्थिति बनी हुई है, जहां खेत में लगे बिछड़े खराब हो रहे हैं, वहीं किसी तरह कुछ किसान डीजल पंप एवं बिजली मोटर के सहारे खेती कर आसमान में टकटकी लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक आदेश का भी इंतजार कर रहे हैं। देखना है कि सरकार बक्सर जिले को सूखा कब घोषित करती है या इंद्रदेव अभी भी किसानों पर रहम करेंगे। पानी नहीं है तो उसके लिए क्या करना है? हाँ देखिए, नहरों में पानी नहीं है, सूखाग्रस्त घोषित करने की दिशा में पूरा बिहार तरफ जा रहा है। हम डेली रेनफॉल की चर्चा कर रहे हैं। कल भी हम इटाढ़ी में गए थे वहाँ, ये अपना अमृत सरोवर देखने, कल बक्सर भी गए थे हम अमृत सरोवर देखने। कुछ चीज़ें जो पानी के बिना हमारे कई जगह पर आप लोग प्राइवेट बोरिंग लगा कर उसकी सीमा है ना, कितना हम कर पाएंगे। बिछड़े सब सूख पड़े हैं, हम अनाज कैसे कैसे क्या होगा, सबकी बनी हुई थी सेंट्रल की, बहुत बड़ा सेंट्रल की टीम भी। जल परियोजना नहीं देगा। हम लोगों ने प्रयास किया कि नहरों में 3 लीटर तक पानी आए, उसके लिए नहर का हमने खुदाई भी करवाया अपने स्तर से। सोन नहर के कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और माननीय जल संसाधन मंत्री से भी मेरी वार्ता हुई। पानी आया लेकिन पानी जल्दी ही बंद कर दिया गया, क्योंकि हफ्ता लगने का वक्त आ गया था। और विडंबना यह है कि रिहन से भी पानी हमारे बिहार को नहीं मिल पाया, इसलिए हफ्ता लगाने की जरूरत पड़ गई। और बाण सागर जितना पानी छोड़ा है, इसलिए टेलेंट में अभी तक पानी नहीं आया। हम लोगों ने शुरुआती प्रयास किया है, उसमें सफलता हमें नहीं मिली, लेकिन अब ये हमारा पूरा जिला सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री से मैं करूँगा और करने जा रहा हूँ। आज मैं पत्राचार करूँगा, बक्सर जिला में तमाम बिछड़े किसानों के सूख गए, जिसके चलते हमारे यहाँ 10% भी रोपनी नहीं हो पाई और पानी का अभाव है। अभी तक इंद्र भगवान न जाने क्यों रुष्ट हैं पूरे बिहार में कि हमारे किसान आहत हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह करूंगा कि बक्सर जिला को, समस्त बक्सर जिला को सूखाग्रस्त घोषित करें, क्योंकि तमाम किसानों के बिचड़े सूख गए हैं। अब पानी आने पर भी किसान रोपनी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आज ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो अभी स्थिति क्या है जिले? देखिए, हमने एक परसों माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और उसका कॉपी वगैरह भी डीएम साहब लोगों को भेजा है। तो निश्चित तौर पे बक्सर ज़िले में अभी जो रोपनी का समय है, आधा सावन बीत चुका है और बहुत भयावह स्थिति है, जिसमें मात्र 8% ही रोपनी हो पाई है। तथा बक्सर, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी की है कि बक्सर ज़िले के साथ साथ बिहार में शाहबाद में जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई हो, तो पूरे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने का मांग हम करते हैं। मलई बराज के लिए लगातार आप लड़ाई लड़े हैं और ऐसे में अभी तक मलई बराज कंप्लीट नहीं हुआ। निश्चित तौर पे हमने लंबी लड़ाई लड़ाई लड़ा है और साथ में हमारे पूर्व में भी जितने भी इधर के जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ा है। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सारा सरकारी प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद भी अभी तक मलई बराज जो है वो रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह प्रशासनिक और ठेकेदार के स्तर से ही ये जो धीमी गति से उन्होंने काम लोग कर रहे हैं, तो इसी का परिणाम है। और इस संदर्भ में हम पुनः, आपने एक बहुत अच्छा बात याद दिलाया,
तो ये और सूखे की स्थिति में बड़ी उसकी आवश्यकता भी है। तो हम लोग कल ही उस वहाँ पे एक दौरा करेंगे, वहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल बना के और उस दौरा करके हम लोग रिपोर्ट जिला पदाधिकारी और ऊपर में सिंचाई मंत्री से भी हो और चाहे भी इसी क्षेत्र के किसी मंत्री जी हैं उनको भी हम लोग ये संज्ञान में बात दिलाएँगे।